हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो वीडियो है वेडनेसडे की और मैं उठी थी 6 बजे। उठ के मैं हाथ मुँह धो के ब्रश वगैरह करके आ गई थी किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह मेरे को करनी थी। तो मैं बना रही थी पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी जो थी मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, मटर भी मैंने रात को ही छील लिए थे, क्योंकि सवेरे सवेरे अगर इस काम को करने लगे ना तो 20 से 25 मिनट तो यही काम में हो जाते हैं सब्जी कट करने में, और सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं ना सब्ज़ी वगैरह रात को ही कट करके रख लेती हूँ, अगर ऐसी कोई सब्ज़ी हो जिसको हम कट करके अगर रख सकते हैं रात को तो। और इसमें मैं टमाटर प्याज वगैरह लहसुन कुछ नहीं डालूंगी, मैं बस जीरे का छौंक लगाऊंगी और ऊपर से डालूंगी पत्ता गोभी, और फिर डालूंगी मैं अपने जो भी हमारे ड्राई मसाले होते हैं वो। इससे भी ना सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बन जाती है ये, और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मैं टमाटर प्याज इसमें डालती नहीं हूँ। टमाटर प्याज अगर मैं डाल के बनाऊँ भी तो बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है इसका, इसलिए मैं ज़ीरे का ही छौंक लगाती हूँ इसमें। और देखिए सब्जी भी मैं 5-10 मिनट के बाद इसको देखती रहती हूँ, और साथ ही साथ मैंने लगाना है आटा भी, तो मैं आटा भी लगा लूँगी। और सुबह सुबह पीनी होती है चाय भी, तो चाय भी मैं साथ साथ बना लूँगी, और क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं तो फिर सुबह सुबह बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी चाय दे देती हूँ, और ये नाश्ता भी करके नहीं जाते हैं ना, तो फिर चाय के साथ जैसे हल्का फुल्का जो बिस्किट वगैरह रस या फैन वगैरह होते हैं वो ये खा लेते हैं, इसलिए इनको भी थोड़ी थोड़ी चाय देनी ही पड़ती है सुबह। तो एक साइड मैंने रख दी थी चाय भी, और साथ ही साथ मैं लगा लूँगी आटा। गर्म पानी के साथ मैं आटा लगाऊँगी, ठंडे पानी से बहुत दिक्कत आती है ना, आटा अच्छे से लगता है और आटा लगाने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है। गर्म पानी हो ना, हल्का निभाया सा पानी हो तो बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा लग जाता है, और ज़्यादा मेहनत भी हमें नहीं करनी पड़ती। तो देखिए आटा भी लग गया है, चाय बन गई है। अब मैं चाय कप में डाल के रख दूँगी थोड़ी सी ठंडी होने के लिए, थोड़ी ठंडी चाय पीते हैं ये, और साथ ही साथ मैं बना लूँगी बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच। इतनी चाय ठंडी हो जाएगी, इतने मैं दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटियां तैयार कर लेती हूँ। और देखिए लंच की भी तैयारी हो ही चुकी है, यहाँ चाय भी ठंडी होगी, अब मयंक हो गया रेडी, अब मैं इनको दूंगी चाय और बिस्किट और बस, फिर इसके बाद मयंक जाएगा स्कूल और बारी आती है फिर आरू को उठाने की, उसको रेडी करने की। तो मयंक के जाने के बाद फिर मैं उसी के लिए लग जाती हूँ, उसको तैयार करने के लिए लग जाती हूँ, क्योंकि 8 बजे मयंक जाता है तो 8:30 बजे से जो है वो आरू को भी निकलना पड़ता है। देखिए दोनों बच्चों के टिफ़िन रेडी हो गए हैं, किचन के काम से मैं हो गई हूँ फ्री। यहाँ आरू भी उठ गया है, इन्होंने पी ली थी चाय, और अब मैं करूँगी इसको रेडी। इसको रेडी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, नींद से उठा है तो फिर थोड़ा सा ये भी मतलब इतना एक्टिव नहीं होता है इस टाइम, तो गोदी में ले लेके सारे काम इसको करवाओ, नहलाओ धुलाओ। अब तक मैंने इसको भी नहला लिया था और रेडी करके बस इसको भेजना था अभी स्कूल। बाकी काम सारा हो चुका था इसका, ब्रेकफास्ट चाय वगैरह जो भी इसने पीनी थी, खाना था जो भी कुछ खा लिया था, और फिर इसके भेजते के साथ ही इसको मैंने जाना था बाहर दूध लेने के लिए। तो दूध लाने का काम मैंने करना था इसके जाने के बाद ही, फिर सारे काम होने थे, और फिर आ जाती है बारी साफ़ सफाई की। अब तक मैं ले आई थी दूध और अब बारी आती है साफ़ सफाई की। तो किचन का काम जो था वो थोड़ा बहुत पड़ा ही था अभी करने के लिए कि मैं आ गई थी अंदर, मैंने सोचा क्यों ना पहले साफ़ सफाई का काम ही हो जाए, और किचन का इतना भी काम नहीं था, बस मेरा जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह करना था और किचन को हल्का फुल्का साफ़ करना था, बाकी तो वो साफ़ ही होती है। तो यहाँ मेरे को ना बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, और आज मैं धो रही थी कपड़े भी क्योंकि वेडनेसडे का दिन है, तो कपड़े तो आज धोती हूँ मैं, और फिर साथ ही साथ मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में, सुबह उठते के साथ ही मैंने जो है वो मशीन लगा दी थी।
क्योंकि धूप में ना कपड़े फिर सूख जाते हैं, इतनी देर तक धूप आती नहीं है। तो मशीन तो लगी गई थी और यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। यहाँ सर्दियाँ ना सही हो गई थी, मतलब ठीक ठाक सी सर्दी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो गर्म बेडशीट है वही बिछा लूँ। सबसे पहले मैं जो भी ब्लैंकेट वगैरह पड़े होते हैं या कपड़े वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं स्कूल, तो काफ़ी जो है वो कपड़े वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं, इनके टॉयज़ यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो सब कुछ पहले ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब उठा के उनकी जगह पर सेट करके अच्छे से, और फिर सारे ब्लैंकेट वगैरह जो देखिए जैसे कि टीवी देखते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठ के, तो यहाँ पर भी एक ब्लैंकेट पड़ा रहता है, सारी मतलब ऊपर ऊपर से डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ मैं, और साथ साथ ही अपने पसंद के जो भी मेरे को सॉन्ग या भजन वगैरह सुनने होते हैं वो भी लगा देती हूँ, और फिर करती हूँ घर के काम। तो ऐसे में ये रहता है कि मतलब भजन वगैरह लगा रखे हैं तो उनको सुनते सुनते घर का काम करने में भी ना आलस सा नहीं आता, बस पता नहीं चलता कब काम हो गया। तो यहाँ बारी आती है अब झाड़ू लगाने की। झाड़ू के बाद मैं कर लूँगी डस्टिंग और फिर लगा लूँगी पोछा, फिर मुझे नहाना होता है, नहा के करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और फिर जाना होता है आरू को लेने स्कूल। तो आरू को मैं 1:30 के लगभग जो है स्कूल जाती हूँ उसको लेने के लिए, मैं ही उसको लेके आती हूँ। पहले तो जैसे स्कूल वैन लगा रखी थी हमने, लेकिन फिर ना चलना फिरना कहीं होता नहीं है, मेरा भी घर से निकलना कहीं होता नहीं है, तो इस करके मैंने बैंड जो है हटवा दी है और सोचा क्यों ना खुद थोड़ी देर और इधर उधर घूम भी आए और साथ ही साथ बच्चों को लाने का भी काम हो जाएगा। तो देखिए डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू लग गया था और अब बारी आती है पोछे की, तो फटाफट मैं लगा लूँगी पोछा। और इस पोछे से ना पोछा लगाने में मतलब टाइम भी नहीं लगता और आलस भी नहीं आता, अगर वैसे हाथ से पोछा लगाना तो बहुत आलस आता है और फिर हम सोच लेते हैं कि चलो आज नहीं कल लगा लेंगे, लेकिन जब ये पोछा होना तो पानी में हाथ नहीं देना पड़ता है बार बार, और इजीली जो है वो पोछा बढ़िया से लग भी जाता है और बहुत अच्छा फर्श जो है वो इससे साफ हो जाता है। तो लास्ट में रह जाता है ड्राइंग रूम पोछे के लिए, लास्ट का काम यही है ड्राइंग रूम का ही पूरे घर में लगाने के बाद, क्योंकि इसके बाहर है बालकनी, तो फिर सीधे बालकनी में जाके बालकनी साफ़ कर देती हूँ ड्राइंग रूम के बाद। तो अब लग गया है पूरे घर में पोछा और मैं नहा लूँगी इसके बाद। अच्छा पूरे घर में काम करते करते ना टाइम तो हो जाता है, मतलब 12:30 मेरे को बज जाते हैं पूरे घर में काम करते करते, लेकिन इस बीच जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। मैंने किचन का काम हल्का फुल्का करके फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के 2-4 मिनट अपने लिए जैसे कॉम वगैरह कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद में मैंने बनाया था अपना ब्रेकफास्ट और खा लिया था, और फिर गई थी मैं स्कूल से इसको लेने आड़ू को, ये आ गया था अब तक स्कूल से घर। और अब मैं करूँगी दोपहर का कुछ बनाऊँगी लंच वगैरह बच्चों के लिए। तो देखिए दोपहर में ना मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही थी, क्योंकि सुबह की सब्जी जो होती है ना वो दोपहर तक चली जाती है, और अगर बच्चे कई बार ऐसा होता है कि उनका मन नहीं है कि सुबह की सब्जी के साथ हम नहीं खाएंगे दो दो टाइम यही सब्जी, तो फिर जब भी मैं कुछ अलग बनाती हूँ, नहीं तो अगर अच्छी सब्जी हो जो वो खाते हों, जैसे पत्ता गोभी मटर मैंने बनाया था, तो फिर ये ना काफ़ी पसंद करते हैं तो खा लेते हैं ये पत्ता गोभी मटर की सब्जी, तो फिर उसी के साथ मैंने लगा दी थी रोटियां। अब तक आ गया था मयंक भी घर, और रोटियां मैंने बच्चों के लिए लगा दी थी, थोड़ा सा पुलाव भी था हमारे पास पड़ा, तो मैंने उस पुलाव को भी ना गरम कर लिया था अच्छे से घी डाल के, काफ़ी टेस्टी लगता है घी डाल के गरम करके, तो फिर फ्राई कर लें उसको एक बार, तो उसको भी मैंने गरम कर लिया था।
क्योंकि यही है रात की, अगर कुछ थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है तो वो सुबह काम आ ही जाती है, सुबह की दोपहर को आ जाती है। अब बस एक दिन की मतलब सुबह या शाम या दोपहर को तो सब्ज़ी चल जाती है, सुबह की दोपहर को चल जाती है और दोपहर की रात को चल जाती है, बस ऐसा। और ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, देखिए अभी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बची है और मैं बनाती ही इतनी हूँ कि मतलब एक कटोरी या आधी कटोरी अगर बच जाती है तो बच जाती है, नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि बस हमने जो खा ली है वही जब भी ख़त्म हो जाती है फिर, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं बनाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, मिल रही हूँ अब मैं आपसे। अब तक बच्चे जो हैं वो पढ़ने बैठे थे, ट्यूशन से आ गया था मयंक भी और हमने पीनी थी थोड़ी थोड़ी चाय। चाय के बाद फिर मैंने ना बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि होमवर्क का जो लिखने का काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और फिर इनको पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी 8 बजे किचन में। मैंने बनानी थी रोटियाँ, तो आटा मैंने पहले ही लगा लिया था थोड़ा सा, और सब्जी वगैरह खाने का कुछ मन नहीं था बच्चों का भी, तो फिर इन्होंने बोला था कि बस एग जो है वो एग सी खा लेंगे, जैसे आमलेट वगैरह या भुजी खा लेंगे। तो फिर मैंने रोटियां बनाई और एग्स बना लिए थे, उसकी भुजी बना ली थी। आरू एग खाता नहीं है, बहुत कम खाता है, मतलब वैसे तो खाता है, तो थोड़ी सी मैंने 2 कटोरी जो है वो दाल भी बनाई थी। तो देखिए रोटी बनके तैयार हो गई है। रोटी पहले मैं बना लेती हूँ गरम गरम, क्योंकि एग बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में रेडी हो जाता है ये सब। तो फिर अगर इसके बाद मैं रोटियाँ बनाने लगूँ तो रोटियाँ हो जाती हैं ठंडी। अब तक हमने खा लिया था खाना और मैं आ गई थी बर्तन साफ वगैरह करने। किचन का काम ये रह जाता है लास्ट का ही, अपनी सारी स्लैब वगैरह साफ करके और फिर बर्तन साफ करो। तो ये काम तो लास्ट का होता है, लेकिन ये काम सबसे बड़ा लगता है और इसको करने में इतना आलस आ जाता है ना अब तक तो, लेकिन अगर इसको ना करें तो फिर वही है कि सवेरे सवेरे उठ के जो ये सब कुछ देखना पड़ता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ना करते भी बस इस काम को शुरू करने की देरी है, फिर जल्दी से हो ही जाता है बस एक बार मन बना लें करने का तो। और गर्म पानी से ऐसे भी बर्तन धोने होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती, गर्म पानी से जल्दी जल्दी मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और थोड़ी देरी आलस आता है फिर सब कुछ सही हो जाता है बस। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो गाइस, आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।